हेलो एवरीवन, हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं ए और एम। नेक्स्ट है द, और देखिए मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा है इंडिया और यूएसए में। आप मुझे बताओ कि किसमें द आएगा और किसमें नहीं आएगा। क्या हम लिख सकते हैं द इंडिया द यूएसए? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है और ये सही है। ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया से पहले तो द नहीं लगाएंगे हम, लेकिन यूएसए से पहले द लगाएंगे। नेक्स्ट बाइबल, बाइबल से पहले द आएगा या नहीं? यदि हम यहाँ लिखते हैं द, और ये वाल्मीकि रामायण, और रामायण से पहले भी लिखते हैं हम द, तो ये द सही है लेकिन ये द गलत है। तो ऐसा क्यों हुआ? बाइबल भी एक होली बुक है और ये भी एक होली बुक है, लेकिन इसमें से रामायण से पहले द क्यों नहीं आया, यहाँ पे यहाँ द क्यों आया? इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। ये देखिए सेंटेंस, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, इस ब्लैंक में हम द भर रहे हैं। और नेक्स्ट है प्लीज कम हेयर ब्लैंक, प्लीज कम हेयर बिफोर, इसके बाद लिख रहा है प्लीज कम हेयर बिफोर ब्लैंक मॉर्निंग। अब इस मॉर्निंग से पहले द आएगा या नहीं आएगा? अब यहाँ पे द सही है लेकिन यहाँ पे द गलत है। तो ऐसा क्यों हुआ कि वही मॉर्निंग यहाँ पे है, वही मॉर्निंग यहाँ पे है, इस मॉर्निंग से पहले द आएगा लेकिन इस मॉर्निंग से पहले द नहीं आएगा? तो इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल से रिलेटेड जो द के रूल्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से बताऊंगी। अब देखिए इसके हम एक एक करके रूल पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं दिस इज, यहां मैंने लिखा ब्लैंक पेन, और फिर मैंने लिखा दिस इज ब्लैंक पेन, तो इसमें मैं अगर द लगाऊं और इसमें मैं अगर ए लगाऊं, तो दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है बता सकते हो आप? दिस इज अ पेन, दिस इज द पेन, देखो दोनों ही सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस बस इनकम्प्लीट है। इसके आगे अगर मैं मेंशन कर दूं, द आर्टिकल का यूज हमेशा डेफिनेट चीज के लिए होता है। अगर मैं पर्टिकुलर बता दूं दिस इज द पेन विच वॉज गिफ्टेड बाय माई फादर, तो ये यहाँ पे द आएगा। और अगर मैं नॉर्मली बात करूं दिस इज द पेन, तो नॉर्मली क्या आएगा? ए आएगा। तो इसी से रिलेटेड आज हम रूल्स पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं, फर्स्ट रूल है हमारा बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम या बिफोर द नेम्स ऑफ, किस किस के नाम से पहले हम द लगाते हैं, सबसे कॉमन रूल है ये। फर्स्ट है रिवर, कैनाल्स, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, ध्यान रखना इसमें रेंजेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे अलग तरह से लिखा है। सी, ओशियन, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इन सब के नाम से पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, द भाखड़ा नागल कैनल। रेंजेस ऑफ माउंटेन, माउंटेन की रेंजेस यानी कि पर्वत श्रेणियां, अगर हम किसी एक सिंगल माउंटेन की बात करें, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख दो माउंट आबू, अगर मैं यहाँ पे लिखू माउंट आबू और मैंने यहीं पे नीचे लिखा हिमालयास, तो इनमें से किसके पहले द आएगा और किसके पहले द नहीं आएगा? माउंट आबू से पहले द नहीं आएगा और हिमालयास से पहले द आएगा। मैंने बताया अगर हम किसी एक पर्वत की बात करेंगे तो नहीं आएगा, अगर पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो उससे पहले द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सी, ओशियन और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनसे पहले भी हम क्या करते हैं द का यूज करते हैं, द भाखड़ा नागल, द हिमालयास, द इंडियन ओशियन, द अंडमान निकोबार। समझ में आया फर्स्ट रूल? नेक्स्ट है हमारा वेल नोन एंड सेपरेट बुक, यानी कि कोई भी अच्छी बुक होगी, वेल नोन यानी फेमस बुक होगी, कोई प्रसिद्ध ग्रंथ होगा, तो उसके नाम से पहले हम हमेशा द लगाएंगे। अब मैंने आपसे बोला था जस्ट पहले कि द तुलसी इज रामायण, तुलसी इज द रामायण नहीं होगा लेकिन द बाइबल होगा, तो वो क्या रूल था? देखिए अगर हम सिर्फ किसी होली बुक का नाम लेंगे, जैसे मैंने बोला रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, तो इन सबके नाम से पहले द आएगा, लेकिन अगर हम उसके साथ में उसके राइटर का नाम मेंशन कर देंगे, शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट, तो उस बुक से पहले द नहीं आएगा। ये मिस्टेक हम जनरली करते हैं, हम सोचते हैं होली बुक है इससे पहले द का यूज करेंगे, तो रूल इम्पोर्टेंट क्या हुआ यहाँ पे, हर होली बुक से पहले, हर फेमस बुक से पहले द लगाते हैं, लेकिन अगर उसके राइटर का नेम साथ में मेंशन है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए,
द बाइबल द गीता, इनसे पहले द लगाया, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं तुलसी रामायण तो द रामायण नहीं होगा, द गलत हो जाएगा। शेक्सपियर स्टेम्पेस तो इससे पहले भी द नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल है हमारा हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स एंड मिसाइल। कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो यानी ऐतिहासिक स्थान हो, ट्रेन हो, शिप हो, एरोप्लेन हो, कोई भी मिसाइल हो, तो उससे पहले हम द लगाते हैं, जैसे द पूजा एक्सप्रेस, द ताजमहल, द पृथ्वी, ये क्या है, एक मिसाइल है, द विक्रांत। नेक्स्ट रूल है हमारा कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी कोई विशेष समुदाय, द सिक्स, द मुस्लिम्स, द हिंदूज, तो इनसे पहले भी हम क्या यूज करते हैं, द का यूज, द आर्टिकल का यूज करते हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार, सितार, इन फ्लूट, इन सबसे पहले भी द गिटार, द सितार, द फ्लूट, क्या आता है इन सबसे पहले, द आता है। इसके बाद हम और भी इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जैसा कि द आर्टिकल मैंने पहले भी बताया डेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि हमेशा पर्टिकुलर चीज से पहले आएगा। हमें इसमें सबसे मेन चीज यह याद रखनी है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज हो या तो वो आगे सेंटेंस से पता चल जाएगी किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, जैसे द बुक यू वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल। अब नॉर्मली बुक होगा तो उससे पहले द प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन पर्टिकुलर उसी बुक की बात कर रहे हैं, यू वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल, यानी जो बुक तुम्हें चाहिए ना वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसमें द आया। समझ पाया कि जब भी कोई नाउन जो है वो डेफिनेट हो जाएगा कहीं पे तो उससे पहले हम द आर्टिकल यूज करेंगे। नेक्स्ट, द गर्ल इन व्हाइट ड्रेस इज माय सिस्टर, तो पर्टिकुलर हम एक ही गर्ल की बात कर रहे हैं जो व्हाइट ड्रेस में है, इसलिए हमने इससे पहले द आर्टिकल लगाया। तो समझ में, जब भी कोई नाउन हम डेफिनेट कर देंगे उसे आगे मेंशन करके सेंटेंस में, अगर आगे पता चल रहा हो कि किसी पर्टिकुलर ही नाउन की बात हो रही है तो उससे पहले हम द आर्टिकल लगाएंगे। नॉर्मली गर्ल से पहले, बुक से पहले कभी भी द आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ सिंगुलर नाउन प्रेजेंट्स अ होल क्लास, जब भी कोई सिंगुलर नाउन अपनी पूरी क्लास को, पूरी जाति को, पूरे समुदाय को प्रेजेंट करेगा तो हम उससे पहले द आर्टिकल लगाएंगे। कैसे, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे जो डॉग है ये अपनी पूरी क्लास यानी पूरे सभी डॉग्स की बात बता रहा है कि डॉग जो होते हैं वो फेथफुल एनिमल होते हैं। नॉर्मली डॉग से पहले हम द आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे आई हैव अ डॉग, तो आई हैव अ डॉग, द डॉग नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी सभी डॉग्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, द रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पे हमने बताया कि रोज जो है वो पर्टिकुलर सभी फ्लावर्स अपने मतलब सभी रोजेस की बात बता रहा है। द रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, ये सबसे सुंदर फूल होता है, यानी जितने भी रोज होते हैं वो सभी फूलों में सबसे सुंदर होते हैं, इसलिए इससे पहले द लगाया है। इसके अलावा द रिच, द पुअर, इन रिच पुअर, इनसे पहले भी किसका यूज होता है, द का यूज होता है पूरी क्लास बताने के लिए। अगर हम रिच पीपल बोले तो द नहीं आएगा। नेक्स्ट है, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन थिंक, तो यहाँ पे सभी मैन की बात हुई कि मैन ही एकमात्र ऐसा एनिमल होता है जो सोच सकता है। आप सोच रहे होंगे ये यहाँ पे एनिमल लगाया है, लेकिन एनिमल ही होता है, यहाँ मैन से पहले द क्यों नहीं आया, ये एक एक्सेप्शन, ये हमें अलग से ध्यान रखना है कि इस मैन के अलावा अगर कोई भी अपनी पूरी जाति को प्रेजेंट करेगा, पूरी क्लास को प्रेजेंट करेगा तो हम द यूज करेंगे, लेकिन अगर मैन आ जाता है तो मैन से पहले द नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल है हमारा विद स्पेशल कंपैरेटिव्स, अब हमने देखो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आती है, रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, द मोस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो द का यूज होता ही है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में भी हम द का यूज करते हैं। किस कंडीशन में यूज करते हैं, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, यानी कि स्पेशल कंपैरेटिव्स जो होंगे, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा खर्च करोगे, द मोर यू लर्न द मोर यू टीच, द हायर यू गो द कूलर यू फील, यानी कि डबल कंपैरेटिव्स जहां पे आएंगे वहां पे हमें कंपैरेटिव डिग्री में भी द का यूज करना है। नेक्स्ट रूल है यूनिक नाउन, यूनिक नाउन से मतलब कोई भी यूनिक चीज, स्काई, मून, अर्थ, जो एक है इस दुनिया में, एक से ज्यादा नहीं है, उनसे पहले भी हम हमेशा द का यूज करते हैं। और नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दिया था कि यूएसए से पहले तो द आया, लेकिन इंडिया से पहले द नहीं आया, चाइना से पहले द नहीं आया, पाकिस्तान से पहले द नहीं आता। क्यों नहीं आता, किसी भी एक देश के नाम से पहले हम कभी भी द नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर कुछ यूनिट्स का समूह हो, यानी कि कुछ छोटे छोटे देशों का समूह हो जाए, जैसे यूएसए, ठीक है, जैसे यूएई, यूके, तो इन सबसे पहले हम द का यूज करते हैं।
ऑर्डिनल नंबर्स, यानी ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड हमेशा ऑर्डिनल नंबर से पहले भी किसका यूज होता है, द का यूज होता है। थैंक यू, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स भी होता है, यानी कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पे हम आर्टिकल यूज ही नहीं करते, ना ए ना एन ना द, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।